करेंगे. लगाओ 109 और फाइट बैक राइट नाउ. आजकल हम देख रहे हैं दुनिया भर में कि अभी यार टॉकिंग अबाउट बहनों की सेफ्टी सिक्योरिटी की, तो उसके लिए ये गुजरात गवर्नमेंट ने खास पुलिस हार्ट बनाया है. हार्ट का मतलब है हेल्प इमरजेंसी अलर्ट रेस्क्यू टर्मिनल. आप जानते हो कि जब पहले इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कि रेप, मोलेस्टेशन, ईव टीजिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, किडनैपिंग, ये सब जब सिचुएशन में होती है तो बहनों को अर्जेंट पुलिस की जरूरत रहती है. मान लो कि आप नॉर्मली कहोगे कि अगर इस सिचुएशन में आपके पेरेंट्स को भी फोन करोगे, माता पिता को, भाई बहन को, तो भी वो कोई 2 या 3 घंटे में आपका फोन नहीं उठा पाएंगे. इसलिए आपको ये 1091 डायल करना है. 1091 का फायदा क्या है मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप ये 1091 एक कॉल फ्री नंबर है, ताकि अगर आपके पास बैलेंस ना हो मोबाइल में तो भी आप चिंता मत करना. अगर आपका मोबाइल लॉक है, इमरजेंसी में है, तो भी आप चिंता मत करना. आपको सिर्फ 1091 डायल करने से हमारे वहाँ पुलिस कंट्रोल में हार्ट नाम का एक सर्वर है, हेल्प इमरजेंसी अलर्ट रेस्क्यू टर्मिनल. ये सर्वर आपका 1 ही घंटे में फोन उठा लेगा. दूसरी बात, आप ये अच्छी तरह जानते होंगे, जब आप तकलीफ में होंगे तो अगर आप फोन पे बात कर रहे होंगे तो सामने वाला आपको फोन पे बात नहीं करने देने वाला है, आपका फोन फेंक देगा, तोड़ देगा. इसलिए आप मेहरबानी करके 1091 स्मार्टली डायल करना या स्पीड डायल में रख देना, ताकि आप जैसे अगर आप परेशान हो रहे हो तो 1091 डायल करके फोन बाजू में रख देना और फोन चालू रखना इतना हो सके तो. और जब आप ये फोन चालू रखोगे तो आपकी जो आवाज होगी वो हमारे जो हार्ट का सर्वर रिकॉर्डिंग चालू कर देगा. रिकॉर्डिंग के साथ साथ हमारे पुलिस ऑपरेटर्स जो बैठे हैं उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन से, उस कंप्यूटर स्क्रीन में आपका नंबर फ्लैश होगा और नंबर के साथ आपका जो वहाँ सिम कार्ड पे जो आपका नाम है जिसे हम SDR कहते हैं वो सामने फ्लैश होगा. अब पुलिस आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप तो इमरजेंसी में हो, लेकिन आप पुलिस से बात नहीं करो लेकिन सामने वाले से बोल रहे हो कि छोड़ दे मुझे, क्या कर रहा है, पुलिस बुलाऊंगी, यू नो आप ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलना, ताकि पुलिस वाले आपकी आवाज सुन रहे हैं और उनको पता चल गया कि आप इमरजेंसी सिचुएशन में हो. अब पुलिस क्या करेगी, तुरंत लोकेशन मंगाएगी. लोकेशन आने में 8 से 10 मिनट लगेगी, क्योंकि ये एक सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा. लेकिन जैसे ही लोकेशन आ जाएगी पुलिस के पास, पुलिस तुरंत अपना जो हमारा पूरी सिस्टम है, डिस्पैचिंग सिस्टम, वायरलेस सिस्टम, वहां से आपके एरिया में PCR का मतलब है पुलिस कंट्रोल रूम वेयर, उसको आपके एरिया में तुरंत भेज देगी और आपको वहां से बचा लेगी, रेस्क्यू कर लेगी. लेकिन वो जरूरी ये है कि आप 1091 डायल करो. अब इसका दूसरा भी अदर वे ऑल राउंड भी है कि अगर आपने www.policeheart.com पे रजिस्टर किया है, अगर आप रजिस्टर करोगे तो उससे फायदा क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म आपको मिलेगा, उस फॉर्म में आपका नाम, टेलीफोन नंबर, साथ में आपके सगा संबंधी जैसे कि भाई बहन, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, जो भी, आप सबके नाम दे देना और उनके सामने उनके मोबाइल नंबर लिख लेना. अब मान लो वापस सही सेम सिचुएशन के आप इमरजेंसी में अपने 1091 डायल करके बाजू में रख दिया. जैसे ही आपने 1091 डायल किया, मैंने बताया ये टोल फ्री नंबर है इसलिए आपका बैलेंस नहीं कटेगा. अब फायदा दूसरा भी क्या हो रहा है कि जैसे डायल कर दिया, हमारा हार्ट का सर्वर आपके ये सगा संबंधी, आप 10 सगा संबंधी के नाम और मोबाइल नंबर जो लिखे हैं, उस 10 मोबाइल नंबर पे उनको SMS जाएगा कि आप प्रॉब्लम में हो, ताकि अब उनको भी पता चला प्रॉब्लम में हो. और जैसे ही पुलिस ने आपका, पुलिस के सामने आपकी वो जो स्क्रीन खुली है उसमें भी आपके सगा संबंधी का पॉपअप खुलेगा कि ये आपके सगा संबंधी है. तो पुलिस जब तक 8 से 10 मिनट फोन आता रहे, लोकेशन आते लगता है, तब तक पुलिस उनको फोन करके पूछेगी आपके पप्पा को या भाई को या हस्बैंड को, जो भी नियरेस्ट उनको लगेगा, कि कहाँ है आपकी बेटी या वाइफ. तो आप बोलोगे कि हाँ पढ़ाई करने गई है या जॉब पे गई है, कुछ भी आप बताओगे. ताकि अब इम्पोर्टेंट क्या हुआ है कि पुलिस और सगा संबंधी कॉन्टेक्ट में आ गए, क्योंकि पुलिस ने कभी आपको देखा नहीं है, लेकिन अब सगा संबंधी ने आपको देखा और अब सगा संबंधी को भी पता है कि पुलिस के साथ में अब वो लोकेशन ढूंढ के दौड़ेंगे. जैसे ही लोकेशन आएगी, जिस मिनट पे पुलिस को लोकेशन आती है उसी सेकंड पे आपके सगा संबंधी को भी SMS के थ्रू लोकेशन जाएगी और आपके दोनों मिलके आपको वहाँ हमारी PCR वैन सायरन बजाते जाएगी. क्योंकि सायरन इसलिए बजाएगी क्योंकि उस आजू बाजू वालों को भी पता चले कि यहाँ कुछ इमरजेंसी है और जो आपको हैरान कर रहा है वो भी डर जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पुलिस आपको बचाने आ गई है. तो इस तरह सब लोग मिलके आपको बचाएंगे. लेकिन आपको ये बहुत जरूरी करना है कि आपको 1091 डायल करना है. दूसरे पॉइंट कि ये 1091 मैंने बताया, इसमें स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, GPS की भी जरूरत नहीं है, सिंपल कोई भी सिंपल ऑर्डिनरी, क्योंकि हमने ये इसीलिए बनाया है ताकि हम छेवाड़े की लेडी तक पहुंच सके. और इसलिए कि और अगर उसके पास फोन नहीं है, लैंडलाइन है, तो लैंडलाइन से भी ये चलेगा, इसलिए आपको उसकी टेंशन नहीं करनी है. तीसरी बात, पुलिस हार्ट की सिस्टम में ऐसे बनाइए कि अगर आप इवन एक मिस कॉल दोगे तो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऐसा कहते हैं कि मिस कॉल का मतलब कि आप तकलीफ में हो, बहनें तकलीफ में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आपका मिस कॉल के सामने पुलिस आपको सामने से फोन करेगी. और अगर आपने गलती से मिस कॉल दिया हो सकता है गलती हो सकती है, आप टेस्टिंग करते हो,
तो आप मेहरबानी करके जैसे ही हमारा सामने से 10 मिनट के अंदर फोन आएगा, अगर जैसे ही हमारा फोन आता है प्लीज फोन उठा लेना और बोलना कि आप टेस्टिंग कर रहे हो या गलती से लग गया है। क्योंकि अगर आपने फोन नहीं उठाया हम 3 बार आपको फोन करेंगे, ट्राई करेंगे आपसे बात करने की। अगर हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे तो हम तुरंत आपका लोकेशन निकाल के, आप समझेंगे आप इमरजेंसी में हो, लोकेशन निकाल के आपको बचाने, सेव करने, रेस्क्यू करने भेज देंगे। इसलिए मुझे खास रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अगर गलती हुई है तो फोन उठा लीजिएगा और इस तरह आप पुलिस हार की अच्छी तरह सेवा लीजिएगा।